everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 27 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य ने वुमेन बेनिफिशियरीज को मुद्रा लोन स्कीम के तहत ऋण प्रोवाइड करने में टॉप किया है। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने वुमेन बेनिफिशियरीज को मुद्रा लोन स्कीम के तहत लोन प्रोवाइड करने में टॉप किया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। पहले हम बात करेंगे मुद्रा लोन स्कीम के बारे में। तो ये लॉन्च किया गया था बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और इसका पूरा नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत अगर आपको अपने छोटे छोटे बिजनेसेस को रन करने के लिए फाइनेंस चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ मुद्रा लोन और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के आपको ये लोन दिया जाएगा। इन्हें तीन भागों में डिवाइड किया गया था, बेस्ड कि कितना वॉल्यूम है बिजनेस का और कितना अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन किया जाएगा वो भी बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इनकी पहली कैटेगरी थी शिशु, यानी कि जो सबसे छोटे बिजनेसेस होते हैं, वेरी स्मॉल बिजनेसेस, वो 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं अंडर दी मुद्रा लोन स्कीम। और उसके बाद जो थोड़े से बड़े बिजनेसेस थे उन्हें किशोर की कैटेगरी में लोन मिल सकता है अप टू 5 लाख रुपीज, यानी कि 50,000 से 5 लाख रुपए तक का वो लोन ले सकते हैं। और उनकी तीसरी कैटेगरी थी बड़े बिजनेसेस के लिए, जिसे कहा जाता है तरुण, और जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। उनका जो स्लैब था वो था 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो अगर आप 31 मार्च का डेटा देखें तो तमिलनाडु ने टॉप किया है इन गिविंग लोन्स टू विमेन बेनिफिशियरीज, और दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पर है कर्नाटका। तो चलिए बात कर लेते हैं इन्होंने कितने अमाउंट का लोन सैंक्शन किया है। तो पहले नंबर पर है तमिलनाडु, उन्होंने अब तक 58,227 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है। दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल, जिन्होंने 55,232 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है। तीसरे नंबर पर है कर्नाटका, जिन्होंने 47,714 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है। चौथे नंबर पर है बिहार, जिन्होंने 44,879 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है। और पांचवें नंबर पर है महाराष्ट्र, जिन्होंने 42,000 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है। ये जो पांच स्टेट्स है इनमें 52% जो भी एप्लीकेशंस थे फॉर मुद्रा लोन्स वो विमेन बेनिफिशियरीज ने किए थे। कई सारे कैटेगरीज के लिए ये लोन दिया जाता है, मेनली वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो या फिर सर्विसेज रिलेटेड हो, ट्रेडिंग रिलेटेड हो, प्रोसेसिंग रिलेटेड हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो। तो ये कई सारी एक्टिविटीज के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर दी मुद्रा लोन स्कीम। और अब तक जितने भी टोटल नंबर ऑफ लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं अंडर दी मुद्रा स्कीम, उसमें 70% जो बोरोवर्स हैं वो है विमेन। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा राज्य कंडक्ट कर रहा है थुम्बी महोत्सव 2020, जो पहला स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल होगा। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी केरला। केरला कंडक्ट कर रहा है थुम्बी महोत्सव 2020 फेस्टिवल। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो WWF इंडिया, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया, वो ज्वाइन कर रही है हैंड्स विद द सोसाइटी फॉर ऑर्डिनेट साइंसेस के साथ, और वो पहला एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कंडक्ट कर रहे हैं इन केरला, जिसका नाम दिया है थुम्बी महोत्सव 2020। ये जो नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है बाई WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिलकर और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी के साथ इन एसोसिएशन विद नेशनल बायोडायवर्सिटी बोर्ड, ये सब मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करते हैं और ये वर्ष 2018 से मनाया जा रहा है। इनका मकसद यही है कि कैसे हम जो हमारी ड्रैगन फ्लाईज है और उनकी स्पीशीज है उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे जो ह्यूमंस का इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे उसे कम कर सकते हैं। इनका मकसद यही है, इसके बारे में लोगों को एडुकेट कराना और अवेयर कराना इन फेस्टिवल्स के माध्यम से किया जाता है। और ये पहली बार हो रहा है इन केरला और इसका नाम दिया गया है थुम्बी महोत्सव 2020। तो चलिए केरला के बारे में बात कर लेते हैं।
केरला का कैपिटल है त्रिवेंद्रपुरम। केरला के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और उनके गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अफ्रीका को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी सॉरी ई वाइल्ड पोलियो। वाइल्ड पोलियो से हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका को मुक्त घोषित किया है। इसके अलावा जो वेस्ट नाइल फीवर है वो हाल ही में स्पेन में डिटेक्ट हुआ है जिसमें 35 लोग इन्फेक्ट हुए हैं। और पहली बार ये जो बीमारी है वेस्ट नाइल फीवर ये आई थी इन द ईयर 1999 इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल्स। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनली अफ्रीका को पोलियो फ्री घोषित कर दिया है और ये जो बीमारी है पोलियो की अब ये पाई जाती है सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। नाइजीरिया आखिरी अफ्रीकन कंट्री थी जिसे फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो घोषित किया गया है। 95% अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है उन्हें इम्यूनाइज किया गया है यानी कि ये जो पोलियो का ये जो वैक्सीन है, जैसे अपने भारत में कई साल पहले कैंपेन्स भी देखा होगा कि दो बूंद जिंदगी के ये लोगों को अर्ज करते हैं, मतलब पेरेंट्स को, कि वो अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स दें ताकि वो इम्यून हो जाए। पोलियो एक पैरालिसिस टाइप की बीमारी है जो लाइफ लॉन्ग, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। और पहले जस्ट इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत पोलियो का काफ़ी ज़्यादा शिकार हुआ था। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कहा है कि पिछले 4 वर्षों में अफ्रीका में कोई भी पोलियो के केसेस नहीं आए हैं और अफ्रीका के कई सारे देश में वर्ष 1996 से पोलियो के कोई भी केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। और पोलियो अब उस लिस्ट में शामिल हुआ है जो डिजीजेस इराडिकेट कर दी गई है फ्रॉम अफ्रीका। उसमें और एक नाम है वो है स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स और पोलियो इराडिकेट कर दिया गया है फ्रॉम अफ्रीका। इसके अलावा ये एक मेजर कंडीशन सेट किया गया था हमारे रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन द्वारा कि वो अफ्रीका को पोलियो फ्री घोषित करें। तो चलिए अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। इसकी खोज की गई थी 7 अप्रैल 1948 को और इनके मुख्य का नाम है टेड्रोस एधनॉम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस बैंक ने प्रस्ताव रखा है कि वो सैटेलाइट डेटा को यूज करेंगे किसानों के वर्दीनेस को जज करने के लिए? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है कि अब वो सैटेलाइट डेटा का यूज करेंगे जिसके तहत वो किसानों की ऋण योग्यता का आंकलन करेंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो आईसीआईसीआई बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है कि अब वो सैटेलाइट डेटा का यूज करेंगे जिसके तहत जो हमारे किसान हैं उनकी योग्यता का आंकलन किया जाएगा उन सैटेलाइट डेटा इमेजेस के ऊपर। जैसे कि पहले आईसीआईसीआई बैंक 15 डेज लेती थी अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं या कोई भी फार्मर लोन के लिए अप्लाई करता है और उसे सैंक्शन करने में वो 15 दिन लिया जाता था, बिकॉज उसके बीच वो अपने एग्जीक्यूटिव्स को भेजते थे वहाँ पे फार्म वगैरह में ताकि वो देखे कि कौन कौन से क्रॉप्स यूज़ किए जा रहे हैं, क्या उनका क्रॉपिंग पैटर्न है, इसके अलावा क्या इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं लैंड पे, क्या पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किया जा रहा है, इन सबको आंकने के लिए उनके एग्जीक्यूटिव्स को भेजा जाता था। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस के बाद ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी कट शॉर्ट कर दी जाएगी। इसमें जो वेस्टेज है अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी ये बच जाएगा और ये जो लोन सैंक्शन की जो प्रक्रिया है इसे काफ़ी कट शॉर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो बैंक है ये कई सारी इमेजरी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भेजेंगी उन उसे यूज़ करेंगे और इसके बाद कई सारे जो उनके पैरामीटर्स हैं उन पर जज करेंगे और उसके बाद जो किसान है उनकी योग्यता ऋण योग्यता को टेस्ट करेगी और उसके बाद उन्हें लोन प्रोवाइड करेगी। और इसके साथ साथ वो जो भी वो लैंड है उसके डेमोग्राफिक और फाइनेंशियल डिटेल्स भी इससे आके जाएंगे और उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि वो लैंड की स्थिति क्या है जिसके ऊपर वो फार्मर्स लोन लेना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा सवाल,
इनमें से किस संगठन ने एक क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम लॉन्च करने का निर्णय लिया है फॉर एनबीएफसीज एमएफआईज। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी नाबार्ड। नाबार्ड ने लॉन्च किया है एक क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम फॉर एनबीएफसीज एमएफआईज। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो नाबार्ड जैसा कि आप जानते हैं इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उन्होंने ये कहा है कि वो एक डेडिकेटेड डेट और क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसके तहत जो COVID-19 पैंडमिक में जो भी गांव है या फिर रूरल एरियाज हैं जहां पर ये जो सप्लाई थी क्रेडिट की उसमें रुकावट नहीं है, वो अनहिंडर्ड चलती रहे, इसी के लिए वो एक नई स्कीम लेके आए हैं। इस स्कीम के तहत ये जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम स्कीम है टू NBFCs यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तहत ये इंटेल करता है कि पार्शियल गारंटी प्रोवाइड की जाएगी ऑन पूल्ड लोन्स और ये एक्सटेंड किया जाएगा टू स्मॉल एंड मिड साइज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो इस पर पार्शियल गारंटी अवेलेबल होगी। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम है फॉर NBFCs एंड MFI ये इंक्लूड करेगा, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पार्शियल गारंटी ऑन पूल स्कीम्स और इससे फायदा होगा स्मॉल एंड मीडियम साइज MFIs को। उनका ऐसा मानना है कि पहले चरण में यानी कि शुरुआती दौर में 2,500 करोड़ की फंडिंग इसे फैसिलिटेट की जाएगी जो आगे बढ़ा दी जाएगी, उसे चेंज कर दिया जाएगा और इससे उनका मानना है कि 1 मिलियन हाउस होल्ड यानी कि 10 लाख घरों को इससे फायदा होगा अक्रॉस 28 स्टेट्स एंड 650 डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए अब बात कर लेते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड के हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। इनके चेयरमैन का नाम है गोविंदा रजुलू चिंतला और इसकी खोज की गई थी ऑन 12 जुलाई 1982। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, नीति आयोग टास्क फोर्स के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में प्रस्ताव रखा है कि शुगर केन प्राइसेस और शुगर रेट को आपस में लिंक किया जाए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई रमेश चंद। नीति आयोग टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं रमेश चंद। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जो फाइनल रिपोर्ट थी ऑफ द नीति आयोग टास्क फोर्स यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जिनके अध्यक्ष है रमेश चंद जो कि नीति आयोग एग्रीकल्चर के मेंबर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी ऑन शुगर केन एंड शुगर इंडस्ट्री और उन्होंने सिफारिश की है कि शुगर केन प्राइस यानी कि गन्ने के जो दाम है उसे चीनी के साथ आपस में लिंक कर दिया जाए जिसके तहत जो भी फाइनेंशियल स्थिति है और स्टेबिलिटी है उसे मेंटेन किया जाएगा इस इंडस्ट्री में और जो हमारे गन्ने के किसान हैं वो उन्हें अपने ड्यूज क्लियर करने में आसानी होगी। ये रिपोर्ट सबमिट फाइनलाइज की गई थी मार्च 2020 को और इसे पब्लिश किया गया है 20 अगस्त को। चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां सवाल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में इनमें से किसे चुना गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी संजीव सिंह। संजीव सिंह को चुना गया है एज द ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक हैं मुकेश अंबानी और ये ऑयल टू केमिकल बिजनेस है। तो संजीव सिंह जिन्हें चुना गया है एज द ग्रुप प्रेसिडेंट फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो इससे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ग्रुप है ये ओ टू सी बिजनेस है यानी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस है जो जिसमें 2 ऑयल रिफाइनरीज है जो कि है गुजरात के जामनगर में और इसके अलावा इनके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं और उसके अलावा 51% इनका स्टेक है ऑफ फ्यूल रिटेल एंड एविएशन फ्यूल वेंचर और बल्क होलसेल मार्केटिंग बिजनेसेस। तो ये इनका जो पूरा ग्रुप है इसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां सवाल, SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में इनमें से किसे चुना गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए विनय तोनसे को चुना गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO ऑफ SBI म्यूचुअल फंड। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स।
तो भारत का सबसे बड़ा फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड उन्होंने अपॉइंट किया है, यानी कि नियुक्त किया है विनय तोनसे को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आफ्टर अश्विनी भाटिया, वो जगह लेंगे अश्विनी भाटिया की। इसके अलावा 22 अगस्त 2020 को हमारी केंद्रीय सरकार ने नियुक्त किया था अश्विनी भाटिया को एज दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में चुना गया है अश्विनी भाटिया को 22 अगस्त 2020 को, और ये चौथे एमडी रहेंगे ऑफ दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनका जो टेन्योर है अश्विनी भाटिया का एज दी मैनेजिंग डायरेक्टर वो रहेगा टिल 31 मई 2022, यानी कि 2 वर्षों के लिए लगभग इन्हें चुना गया है। चलिए अब बात करते हैं विनय तोनसे के बारे में। इससे पहले विनय तोनसे सर्व कर रहे थे एज द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ द चेन्नई सर्कल इन एसबीआई, और इसके अलावा वो एसबीआई के जो बिजनेस और ऑपरेशन है उसकी भी देख रेख कर रहे थे इन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। चलिए अब बात कर लेते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। इसकी खोज की गई थी इन द ईयर जून 1987, और इसके जो स्पॉन्सर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके हेडक्वार्टर्स भी है मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवां सवाल, इनमें से कौन से बोलर पहले ऐसे बोलर बने हैं दुनिया के जिन्होंने टेस्ट विकेट्स में 600 सॉरी जिन्होंने 600 टेस्ट विकेट्स लिए हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन पहले ऐसे फास्ट पेस बोलर बने हैं, फास्ट बोलर बने हैं, लिख देती हूँ मैं आपके लिए, फास्ट पेस बोलर या फिर आप कह सकते हैं सीमर बने हैं, जिन्होंने 156 टेस्ट मैचेस में 600 विकेट्स लिए हैं, और अब वो शामिल हो गए हैं जो बाकी ट्रायो थे रिटायर्ड स्पिनर्स के उनकी लिस्ट में वो शामिल हो गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं, तो इंग्लैंड की जेम्स एंडरसन पहले फास्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने 600 टेस्ट विकेट्स लिए हैं। 38 वर्षीय हैं जेम्स एंडरसन और उन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है। हाल ही में इंग्लैंड और पाकिस्तान के टेस्ट मैच चल रहे थे, उसके 5वें दिन यानी कि आखिरी दिन पर जब फाइनल टेस्ट था अगेंस्ट पाकिस्तान, उसमें उन्होंने कैच किया था अजहर अली के बॉल को एट द एगेंस्ट बॉल। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जेम्स एंडरसन के बारे में। जेम्स एंडरसन ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था वर्ष 2003 में अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और अब जो टेस्ट विकेट टेकर्स हैं उनके उनके 4th नंबर पर आ गए हैं जेम्स एंडरसन, और वो पीछे हैं बिहाइंड मुथिया मुरलीधरन ऑफ श्रीलंका जिन्होंने 800 विकेट्स लिए हैं अपने करियर में। दूसरे नंबर पर है शेन वॉन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने अपने करियर में 708 विकेट्स लिए हैं, और तीसरे नंबर पर है अनिल कुंबले भारत से जिन्होंने अपने पूरे करियर में 619 विकेट्स लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैगराथ ने ये भी कहा है कि जैसे सचिन तेंदुलकर ने एक रिकॉर्ड बनाया है इन बैटिंग, वैसे ही जेम्स एंडरसन ने बॉलिंग में एक रिकॉर्ड कायम किया है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये अलग है इन बाकी तीनों से बिकॉज ये तीनों स्पिनर्स हैं और जेम्स एंडरसन है फास्ट बॉलर या फिर आप कह सकते हैं सीमर। चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, विमेन इक्वालिटी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 26 अगस्त। 26 अगस्त को हर साल मनाया जाता है विमेन्स इक्वालिटी डे। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है विमेन इक्वालिटी डे, ताकि मेन के बराबरी औरत को ट्रीट किया जाए, उस दिन को सम्मान देने के लिए बनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1920 में यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका 19वां अमेंडमेंट अडॉप्ट किया था, जिसमें औरतों को राइट टू वोट दिया गया था। तभी से विमेन इक्वालिटी डे हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है, और इसके लिए कई जो महिलाएं संगठन हैं वो ग्लोबली इस दिन को मनाती हैं, ताकि जो औरतें हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, SSC रिलेटेड हो, रेलवेज रिलेटेड हो, जैब रिलेटेड हो, कैब रिलेटेड हो या फिर पैरा 13.2 रिलेटेड हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्टली अपने मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7। इसके अलावा कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो तो हमें नीचे ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतजार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।